हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे जब मैंने करिश्मा का इंटरव्यू किया तो देखने वाला था क्या उसकी हालत है। मिस्टर सक्सेना, हेलो, कैसे हैं आप? मिस्टर सक्सेना, नींद आड़े पी रखी है, कितनी शर्म की बात है। कौन है ये? ये मिस्टर भरत सक्सेना, बिजनेस न्यूज के चीफ रिपोर्टर हैं। मगर ये तो कभी पीते नहीं है, जरूर कुछ बात है। उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? यहाँ बैठो, बैठो, चल चल, रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? अरे यार, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जीभ में जल सा रहा है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। यार तुम यही रुको। अरे भाई तो वेटर वेटर डॉक्टर को बुला दो इसे, जल्दी रिलैक्स। जल्दी आइए प्लीज, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। मानो पानी लाओ जल्दी से, पानी पानी पियो, पानी पियो प्लीज। देखो चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, अभी डॉक्टर आता ही होगा। ये तुमने कंधे में हाथ क्यों रखा है? यहाँ दर्द हो रहा है क्या? छाती और पेट सब जल रहे हैं। पानी पियो, आग से लग रही है, पानी पियो। पता नहीं क्या हुआ यार, मैं तो कार चला के आ रहा था, अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। शायद शायद फूड पॉइजनिंग है यार। तुमने मुझे वो चॉकलेट दिए थे ना, शायद उसी से कुछ हुआ है। क्या बात कर रहे हो सक्सेना? मैंने बहुत ये खा लिया यार। सक्सेना डॉक्टर आता ही होगा, डोंट वरी। मुझे इतने सारे चॉकलेट नहीं खाने चाहिए सक्सेना। यू बी ओके? इट्स ओके, मैं जरा बाथरूम जाकर। आराम से, आराम से। रिलैक्स, आराम से, आराम से, आराम से। What's happening, Sena? पानी पानी ला। हमने इनका पेट अच्छी तरह से साफ कर दिया है, फिर भी नर्स ऑपरेशन थिएटर तैयार रखो, और अगर ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज हो मुझे फौरन बताओ। देखिए इनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट काफ़ी लो है, फिर भी हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर 2-3 घंटों में इन्हें होश नहीं आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने इनके परिवार वालों को बता दिया है? मैंने लगातार इसके घर पर फ़ोन किया लेकिन काफ़ी देर से एंगेज आ रहा है। वैसे मैंने अपनी कलीग को इसके घर भेजा इसकी पत्नी को लाने के लिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसे हुआ क्या है? पॉइजनिंग। पॉइजनिंग जी, किसी जहर का असर हुआ लगता है। एक बात बताइए, इन्होंने कुछ बताया आपको कि पिछले कुछ घंटों में इन्होंने क्या खाया था? या तो हाँ, जब क्लब में आया था तो चॉकलेट्स खाने की बात कर रहा था, लेकिन चॉकलेट्स का इससे क्या लेना देना? एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ मिसेस कश्यप, आप सक्सेना के घर पहुंच गई? हाँ, लेकिन आप इनसे बात कीजिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर दया फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ, मिसेस कश्यप की मौत हो गई है। क्या? ऐसा लगता है ना ये किसी को फोन करना चाहती थी, पर फोन करने से पहले ही ये मर गई। मैडम, हम क्लब से लगातार फोन कर रहे थे लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। फिर खन्ना साहब ने कहा सक्सेना साहब के घर पर जाकर देखो। मैं यहाँ पर आई लेकिन बार बार घंटी बजाती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इनकी दूसरी चाबी इनके पड़ोस में रहती है, उसी से ये दरवाजा खोला। फिर फटाफट जाकर मैं पास से ही डॉक्टर साहब को बुला कर ले आई, मगर मेरे यहाँ आने के पहले ही ये मर चुकी थी। ऐसा लगता है उन्होंने जहर जरा ज्यादा ही खा लिया था, लेकिन यहाँ कहीं जहर रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और वहां अस्पताल में इनके पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने भी जहर खा लिया, लेकिन दोनों ने एक साथ कैसे जहर खाया होगा? तो
अरे हाँ, वो चॉकलेट्स कहाँ है? कौन सी चॉकलेट्स? मैडम, बेहोश होने से पहले सक्सेना ने मुझे बताया था कि उसने और उसकी पत्नी ने कुछ चॉकलेट्स खाई थी। ढूंढो भाई, देखो बची हुई चॉकलेट यहीं कहीं रखी होंगी। देखो कहीं यही तो नहीं। ये रही चॉकलेट्स। इन्हें डॉक्टर सालुंके के पास फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, शायद इनमें जहर हो। जहर इन चॉकलेट्स में? हे भगवान, मैंने आज सुबह सक्सेना को ये चॉकलेट्स दी थी। आपने दी थी? क्यों? देखिए, सक्सेना और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम रोज टेनिस खेलने जाते हैं। रोज की तरह जब आज सुबह हम टेनिस खेलकर प्रेस क्लब की तरफ नाश्ता करने जा रहे थे। मजा आ गया सक्सेना आज। I'll get you next time, Khanna. Better luck next time, yeah. गुड मॉर्निंग। हेलो सक्सेना। अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। अरे भाई, कल के अखबार में आपकी फोटो छपी थी। अरे बधाई हो, बधाई हो। इस बार फिर आपको बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच सर। वैसे ये पब्लिसिटी वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या होता है उससे मेरे काम पर बहुत असर पड़ता है। आप सर, एक कप चाय हो जाए? अरे नहीं नहीं, मुझे अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाना है। नहीं भाई, सी रोल मैन है। अरे यार, उस अवार्ड के लिए मैं अपनी बीवी की तरफ से भी तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। थैंक्स यार। उसने कहा है कि इस साल वो पार्टी लेकर रहेगी। अरे खन्ना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे पार्टी का क्या, जब कहोगे तब हो जाएगी। उसी बहाने उषा भाभी से मुलाकात भी हो जाएगी, काफी समय से मिला भी नहीं हूं। एक काम करते हैं यार, आज रात को ही चलते हैं ना डिनर पर। Well, in that case, I'll give you a call tonight. We'll organize it. All right. क्या पियोगे? ठंडा या गर्म? गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। गुड मॉर्निंग। ये पैकेट आपके लिए आया है। अरे सुबह सुबह किसने भेजा भाई? कुरियर से आया सर। अच्छा, रॉयल चॉकलेट्स। चॉकलेट्स? देखिए भाई क्या भेजा है। चिट्ठी भी है। डियर मिस्टर खन्ना, बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। इस उपलक्ष में हम आपको अपनी नई चॉकलेट्स का डिब्बा भेज रहे हैं। प्लीज इन्हें स्वीकार करें। अगले महीने ये चॉकलेट्स मार्केट में आ जाएंगे। आपको ये कैसी लगी हमें अपनी राय जरूर भेजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। उसे हम अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पीआर करा की मार्केटिंग मैनेजर? व्हाट नॉनसेंस यार, ये कंपनी वाले अपने आपको समझते क्या है? कहीं भी मेरा नाम इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे एक बात बताऊं, मैं मिठाई या चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं खाता। पिछले 2 साल से मुझे डायबिटीज है यार। अरे यार खन्ना, तेरे इन चॉकलेट से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैं अपनी बीवी से शर्त हार गया। पता है किसकी? यही चॉकलेट्स की। अब मुझे उसे एक चॉकलेट का डब्बा देना पड़ेगा यार। तो एक काम करो सक्सेना, ये चॉकलेट्स तुम ही ले जाओ। अरे नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे भाई ले जाओ यार, मैं तो चॉकलेट्स खाने वाला हूँ नहीं, और कंपनी में लौटाने के लिए मैं तो जाऊंगा नहीं। ले जाओ यार। नहीं यार, क्यों जबरदस्ती कर रहा है? किसी और को दे देना यार। अच्छा एक काम कर, भाभी से कहना कि मैंने भेजी अवार्ड मिलने की खुशी में। अब तो ले जा। चल, वो खुश तो बहुत हो जाएगी। थैंक्स। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि भला कोई क्यों भेजेगा मुझे ये जहर भरी चॉकलेट्स। आपको किसी ने जहर वाली चॉकलेट भेजी और आपने वो मिस्टर सक्सेना को दे दी। हेलो डॉक्टर, मिस्टर खन्ना कहाँ है? क्या वही मुझे यहां लाए थे? क्या हुआ था मुझे डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग। घबराने की कोई बात नहीं है, वो जो आपने चॉकलेट्स खाई थी ना, शायद उसी की वजह से। अब आप खतरे से बाहर हैं। आराम से। मुझे लग रहा था कि उन चॉकलेट्स में कुछ गड़बड़ है डॉक्टर, पर वो चॉकलेट्स मेरी बीवी ने भी खाए थे। कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ है मेरी बीवी?
मैं उससे बात करना चाहता हूँ, सब ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यह है सीआईडी ऑफिसर। हेलो मिस्टर सक्सेना। हेलो मिस्टर खन्ना ने हमें बताया कि वो चॉकलेट्स जिन्हें खाकर आपको ये फूड पॉइजनिंग हुई है वो उन्होंने आपको दी थी। हाँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? दो दिन पहले मैं और मेरी बीवी साथ में इंग्लिश फिल्म देखने गए थे। पता नहीं कैसे बातों बातों में हमारी शर्त लग गई। मैं उसे शर्त में चॉकलेट का डब्बा हार गया। उसे चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो जब भी शर्त लगाती है तो चॉकलेट की लगाती है। एक मिनट, आपने मुझसे कहा कि आप सीआईडी ऑफिसर हैं? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी बीवी? मैं उससे बात करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब उषा कहाँ है? क्या बात है, कोई मुझे बता रहा क्यों नहीं? उषा को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब देखिए प्लीज। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना देखिए उन चॉकलेट्स में जहर था। आपकी पत्नी अब नहीं रही। जब मैं वो चॉकलेट का डब्बा घर लेकर गया तो मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। मैंने उससे कहा कि जरा तुम ध्यान रखना। जो भी हो, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे ना खन्ना जी को फोन करके धन्यवाद कहना चाहिए। अरे फोन क्यों करती हो जानू? फॉरेन साल में बनी हुई चॉकलेट है। तुम्हें पता फॉरेन में ऐसी चॉकलेट खाते हैं, थोड़ी कड़वी भी और मीठी भी। मुझे तो कड़वी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो मीठी वाली अच्छी लगती है। पर मुझे तो बहुत अच्छी लगे। कुछ भरा हुआ अंदर, लिक्विड जैसा, शरबत जैसा। लिक्विड नहीं है बेवकूफ, ये वाइन है, वाइन समझती हो ना? और ज्यादा खाने से ना तुम्हें नशा भी हो सकता है। चलो मैं एक और ले लेता हूँ। अच्छा सुनो, खन्ना के साथ प्रेस क्लब में मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा और 7 बजे घर आ जाऊंगा, ठीक है? और सुनो, हर एक पीस में 200 कैलोरीज हैं, ज्यादा मत खाना वरना मोटी हो जाएगी तू। होती हूँ तो हो जाऊं, चॉकलेट बहुत बढ़िया। आधे घंटे बाद गाड़ी चलाते चलाते मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पेट में आग सी लगी हो। मैं किसी भी तरह से क्लब पहुंच गया। मैं दर्द से पागल हो रहा था और फिर आपने कितनी चॉकलेट्स खाई थी? मैंने कुछ 3 या 4 खाई। 3-4? शायद 4। मैंने मिस्टर सक्सेना और मिसेस सक्सेना के पेट में से निकले पदार्थ की जांच की है, दोनों में काफी जहर है। जहर कौन सा है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन एसीपी साहब एक बात बिल्कुल पक्की है। वो क्या? वैसे ये चॉकलेट खराब नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसमें जहर मिलाया है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल उसने इंजेक्शन से ये चॉकलेट के अंदर का लिक्विड निकाल कर उसमें जहर भर दिया। ये देखिए, और जहर का कड़वापन चॉकलेट की मिठास में इस तरह से घुल गया है कि एकदम से तो पता ही नहीं लगता है। खन्ना साहब, आपने बताया था कि चॉकलेट्स के साथ साथ एक चिट्ठी भी आई थी। जी, कहाँ है वो चिट्ठी? वो चिट्ठी तो मैंने वहीं फेंक दी थी, मतलब क्लब के डस्टबिन में। क्या यही है वो लेटर? हाँ यही लेटर है।
क्या यही वो कुरियर की रसीद है? हाँ बिल्कुल, यही रसीद है। फ्लाइंग बर्ड कुरियर सर्विस। सर मैंने किसी खन्ना वन्ना को लेटर नहीं भेजा है। ये है तो मेरा ही लेटर हेड, मेरा पर्सनल है। पर सर ये दस्तखत, ये सिग्नेचर मेरे नहीं है सर। सर ये सरासर जालसाजी है, फोर्जरी है सर। सर हमने कोई भी चॉकलेट का नया ब्रांड लॉन्च नहीं किया है और ना ही हम किसी को ऐसे फुकट में सैंपल्स भेजते हैं, कभी नहीं सर। और ये चॉकलेट्स, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चॉकलेट्स इसी लेटर के साथ आई थी सर। ये तो हमारा रेगुलर ब्रांड है सर, काफी चलता है, शहर की हजारों दुकानों में मिलता है। इनमें जहर है। जहर? जी हां जहर, इन्हें खाकर किसी की मौत हुई है। ओह माय गॉड, मेरे नाम से किसी ने जहर भरी चॉकलेट्स भेजी? पर क्यों, और उसे मेरा लेटर हेड कहां से मिला? आपने नहीं भेजी? नहीं सर, मैंने आशा, दया सर, उस कुरियर कंपनी में जाकर पूछताछ करो जिन्होंने ये चॉकलेट्स भिजवाई थी। यस सर। देखिए, आपको बताना ही पड़ेगा कि ये पार्सल किसने भेजा है, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, सुबह से शाम तक यहाँ न जाने कितने लोग आते हैं, किसकी शक्ल याद रखे हो, किसका एड्रेस, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि कल ये पार्सल किसने लिया था। हाँ, 7 बजे थॉमस ड्यूटी पर था, थॉमस ने लिया होगा। अरे लड़के, जरा थॉमस को बुलाओ। थॉमस, थॉमस, थॉमस अभी आता ही होगा। देखो, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं सर। ऐसा पार्सल कल तुमने ही लिया था? ये चॉकलेट वाला ना? आपको कैसे पता इस पार्सल में चॉकलेट्स हैं? ये तो बंद होगा ना? हमें हर पार्सल को खोलकर देखना पड़ता है, ये हमारा रूल है। वैसे हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। वैसे मैंने भी इस डिब्बे को भी खोलकर देखा था, पर वो लेडी काफी नाराज हो गई। कुरियर वाले लड़के ने उस औरत की तस्वीर बनवाई है, बस अब लाते ही होंगे आपको दिखाने के लिए। तो पहचानिए कौन है वो। अरे सर, ये उस औरत की तस्वीर। तो सर, हमारे पास इस औरत की कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, मिस्टर खन्ना, पहचानिए, जरा गौर से देखिए। नहीं ऐसी पिसाब, मैं इसे नहीं पहचानता, कौन है ये? वही औरत है खन्ना साहब, जिसने आपको चॉकलेट्स भेजी थी। आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि वो चॉकलेट्स आपके लिए भेजी गई थी, आपके लिए। खन्ना साहब आपको कोई रास्ते से हटाना चाहता था, पर मर गया कोई और। कौन हो सकता है वो? अपने दिमाग पर जोर लगाइए खन्ना साहब, आपने अपने अखबार में लिखकर काफी लोगों की पोल खोली है, आपकी वजह से काफी लोग जेल भी जा चुके हैं, इसलिए आपको मारने वालों की लिस्ट काफी लंबी होगी। एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन, कौन हो तुम? देखो, तुमने मेरे दोस्त की बीवी को मार डाला है, तुम सामने क्यों नहीं आती? हेलो, हेलो, कट गया। किसी भी साहब, कोई औरत थी, कह रही थी कि अब के तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.